हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के साथ अपनी व्लॉगिंग शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ में शेयर करना। अच्छा, ये जो ये आप क्लिप देख रहे हो ना, आज के व्लॉग मतलब दो दिन की क्लिप मैंने इसमें ऐड की हुई है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म बोल रही हूँ, यहाँ पर एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है और साथ ही यहाँ पर मेरी फेवरेट बेकरी से आए हुए हैं पैटीज़ और देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलो, एकदम गर्मा गर्म है और एकदम गर्म गर्म होते हैं ना तो सॉफ्ट भी होते हैं और अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ताज़े हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, मेरी जो ये जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है वो लुढ़क गई है थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखो ये है, और भी निकाल के आपको आपके साथ शेयर करेंगे। और ना ये क्लिप मैंने पहले शूट करके रखी थी, और इसके बाद जो अभी आप दूसरी क्लिप देखोगे ना वो रिसेंटली है। ठीक है, तो वो शायद वो एक दो दिन की होगी शायद। और ये वाली है जो ये मैंने पहले क्लिप बना के रखी हुई थी, और दोनों क्लिप को जोड़ के मेरा एक व्लॉग बन पाया है। तो ये देखो, इधर कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये है पैटीज़, और बहुत ही गर्मा गर्म है, और ये पनीर पैटीज़ है। ठीक है, और बहुत टेस्टी, इसका स्वाद मैं आपके साथ क्या ही बोलूँ, बहुत टेस्टी था। और इसके साथ में और भी चीज़ें हैं, ये पनीर पैटीज़ है। ठीक है, और इसके साथ में देखते हैं और क्या। देखिए, पूरी इसकी जो ये स्टफिंग है ना वो बहुत लाजवाब थी, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। और ये है ठंडी कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पे देखो ये है पैटीज़, और इसके साथ में ये है पोटैटो पफ। ये देखिए, ये भी बहुत टेस्टी लगता है, गर्मा गर्म ये भी था और बहुत सॉफ्ट था। तो यहाँ पे ये इतनी चीज़ें लेकर आए हैं, जो कि चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं। आ जाइए आप भी हमारे साथ एंजॉय करने के लिए। तो चलो, ये देखो यहाँ पे मैंने ले लिया है, शाम का टाइम है, इसको एंजॉय करते हैं। गाइस, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पैटीज़ पसंद है और पोटैटो पफ पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे तो बड़े फेवरेट है। अच्छा, बीच में मैंने पैटीज़ वगैरह खाना छोड़ दिया था, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब ऐसा लगता था मैं पैटीज़ जानती नहीं हूँ क्या होता है। लेकिन वापस से मैंने अभी फिर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पतिदेव जी लेकर आ जाते हैं, और एक बार अगर मैं इनसे कोई चीज़ मंगाऊँ तो वही चीज़ें मेरे घर में आती रहती हैं। उसके बाद जब मैं मना करती हूँ कि अब आप मत लेके आइएगा, और अब हमारी इच्छा पूरी हो गई, तो इस टाइप से फिर तब जाके बंद होता है। और पता है यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि मेरा जो भी खाने का मन करता है, पता नहीं आप लोग इसको सच माने या झूठ माने, लेकिन ये बिल्कुल सच है, मेरे पतिदेव जी से मेरा बिल्कुल दिल का कनेक्शन है, बिल्कुल दिल का कनेक्शन है, सच कह रही हूँ। वो मेरे दिल की आवाज़ सुन लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं उनसे कभी नहीं कहती ये लेके आओ खाने के लिए, वो लेके आइए, लेकिन ये हमेशा जो मेरा मन कर रहा होता है वो हमेशा लेके आ जाते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप मेरे दिल की आवाज़ को कैसे सुन लेते हैं, तो ये बोलते हैं ये दिल का कनेक्शन है। तो मुझे पता चल जाता है तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है, मतलब इस टाइप से। अच्छा, ये बताना कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कितने हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसी मतलब ऐसा है रिश्ता, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, पर अभी हो रहा है 3:30, आप लोग देख लीजिए, ये दोपहर का 3:30 है। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, आपको लगेगा जैसे कि रात हो रही है। ये देखो, ये कैसा मौसम, ऐसा लग रहा है पंछी भी अपने घोंसले में वापस जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है। मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा, पता नहीं केशव लाइट चली गई, केशव लाइट चली गई है बेटा। और अब बहुत तगड़ी बारिश होने वाली है, अभी एक कॉल अटेंड करती हूँ। तो गाइज़, अभी मैंने फ़ोन अटेंड किया, पतिदेव जी की कॉल आ रही थी, तो वो वीडियो को देखो कितनी तेज़ बारिश हो गई। मौसम देखो, 3:30 बज रहा है और बारिश देखिए यहाँ पर बहुत। और गाइज़, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, तब बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर तेज़ की बारिश शुरू हो गई, ये देखो। और मेरे पतिदेव जी का कॉल आ रहा था, तो वो यही कह रहे थे बच्चे घर आ गए हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो उनकी जहाँ पर वो उनका ऑफिस है वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो वो यही कह रहे थे। मैंने कहा अभी यहाँ स्टार्ट नहीं हुई है, बट अभी अब हो जाएगी। तो उतने में फिर उनका फ़ोन कट किया, बारिश स्टार्ट हो गई। और देखो कैसा काला मौसम हो रखा है, बहुत ज़्यादा।
मतलब तेज की बारिश, और मैं बहुत दिनों के बाद मतलब व्लॉग कर रही हूँ, ठीक है। मन नहीं हो रहा था मेरा, और मन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा इतना प्यारा मौसम देख के मैंने कहा नहीं, इसे मैं कैप्चर करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखो कैसे बारिश हो रही है, हम तो बड़ा परेशान हो रखे हैं। देखो बारिश, आप लोग बारिश मत देखिए, हवा भी देखिए, हवा चल के हो रही ना, बहुत तेज की बारिश हो रही है गाइस, मतलब क्या बोलूं, बहुत तेज की हो गई ना स्पीड से। और जो ये बारिश होती है ना स्पीड वाली, बहुत तेज की होती है, 3:30 हो रहा है। हाँ बिल्कुल बीमार हो जाओ, कल रात में फीवर आया था ना हल्का फुल्का, कल रात में फीवर नहीं आया था, तो थोड़ा ही आया था, उसके बाद फिर तुमको पापा ने विक्स वगैरह लगा दी थी, उसके एथिन का बुखार सही हो गया, जुकाम ठीक हो गया। और देखो कैसे अंधेरा होकर, देखो ये अंधेरा होकर, वो मैं दिखाती हूँ, देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा करके बारिश हो रही है, देख रहे हो बहुत तेज की बारिश है। नहीं नहाने की बात नहीं करना बिल्कुल गाइस, बहुत तेज, बहुत एकदम से हो गई बारिश। देखो वहाँ से पानी कितनी स्पीड से आ रहा है, देखो नंदिता अंदर हो, क्या कर रहा हूँ मैं, अंदर हो बोला ना मैंने, यहाँ पे बारिश हो रही है बोल रही हूँ मैं, वो दिखाती हूँ, देखो पानी कितनी स्पीड से आ रहा है, बहुत स्पीड से। ओ माय गॉड, मेरे फ़ोन पे भी बहुत बूंदें पड़ गई। नंदिता चलो, देखो तेज की बारिश हो गई है, भर भर के तेज, अरे बाप रे, देख रहे हो बरसात, देखो बस तोड़ी, देखो बौछारों देखो कितनी तेज है, एकदम बरस गई बारिश। पानी की आवाज़ सुनाई दे रही, कितनी तेज है, पता है बहुत तेज की बारिश हो गई है, बहुत तेज की, और मेरे स्पेक्स में भी पानी आ गया, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चली गई थी ना अपने को दिखाने के लिए, तो उसकी वजह से बहुत तेज की बारिश हो रही है। मन कर रहा है बस यहीं पे बैठ के मैं इस खूबसूरत जो बारिश हो रही है ना उसका नज़ारा लेती रहूं, सच बता रही हूँ ऐसे ही लग रहा है, सर पे भी पानी की बूंदे हो गई हैं। नंदिता नहीं बेटा, फालतू बातें नहीं, क्यों, क्योंकि फिर हमने इस तरह से करते करते भीग जाओगी नंदिता, मत करो, अंदर बैठो, चलो मैं दरवाज़ा ही बंद कर दूँगी। सो गाइस हम दरवाजे को करते हैं बंद, क्योंकि बच्ची हमारी नहीं मान रही, बच्चा तो मान गया है बट बच्ची नहीं मान रही, वो जिद करती है ऐसी चीज़ों की, बारिश होती नहीं ना, तो बारिश में तो मतलब बड़े बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, तो खैर बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं। सो लेकिन बहुत प्यारा, बहुत बहुत ही प्यारा, मज़ा आ गया देखकर, नहीं देख के तो अच्छा लगता है, लेकिन बारिश के बाद की जो कंडीशन होती है ना, फिर वो देखने का मन नहीं करता है। और इस साल को बहुत बारिश हुई है, बहुत, देखो देख रहे हो कैसा हो रहा है, नहीं आपको रोशनी के कारण दिखाई नहीं देगा, लेकिन बारिश तो हो रही है तगड़ी वाली। चलो नंदिता दरवाज़ा बंद करते हैं, ठीक है, हटो हटो, अब ये दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए, ठीक है, फिर फालतू में बीमार पड़ने के लिए हो जाएगा, कल स्कूल भी जाना है, और हम लोग लाइट जला के बैठे हैं, क्यों, क्योंकि भाई टाइम देखो अब 4:15 हो रहा है,
आप लोग से बात करते करते भी 15 मिनट हो गए और मैं यहाँ पे लेटी हुई थी आराम से, बारिश की आवाज़ सुन के तब मैं बाहर गई थी, आराम से लेटी हुई थी। सो बस बहुत तेज की बारिश हो रही है, बट अच्छी है बारिश से तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर बाद की जो बात होती है ना वो कीचड़ वीचड़ हो जाता है। खैर मुझे तो कहाँ जाना है, मेरा घर भी रहना है। ठीक है तो मैं करूँगी 10-15 मिनट मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर उठती हूँ, देखती हूँ कुछ खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ बनाने का मन कर रहा है। ठीक है चलो मिलेंगे आप लोग से बाद, आप लोग से मिलेंगे बाद में, मिलेंगे बाद में क्या बोल रही थी मैं, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। ठीक है और चार हो रहा है, ठीक है मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद मिलते हैं, या फिर कब मिलते हैं पता नहीं, देखते हैं। वो बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है और गर्मा गर्म चाय पीते या कॉफ़ी पीते पतिदेव जी अगर घर पर होते तो, लेकिन वो अभी है नहीं, तो चलो उस टाइम पे उनका कॉल आ रहा था, वो वीडियो कॉल कर रहे थे तो वो, लेकिन मैंने उसको रिसीव नहीं किया। ठीक है चलो पतिदेव जी से कॉल में बात करती हूँ, ठीक है आप लोग से मिलते हैं बाद। हाय मैं आपसे बहुत देर के बाद मिल रही हूँ पर अभी बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसा लग रहा है किसी झरने से आवाज़ आ रही है, बिजली भी कड़क रही है। नल से पानी कैसे आ रहा है, नल बोल रही उस पाइप से पानी कैसे आ रहा है, देखा बाप रे किस कदर स्पीड से, यही देख रहे हो बरसात। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, सोचा नहीं था हमने इतनी तेज बारिश, ओ माय गॉड बिजली कड़क रही है। सुना आप लोगों ने, बहुत तेज और पानी की स्पीड और तेज हो रही है, पानी की स्पीड और तेज, ओ माय गॉड बिजली रोशनी आ रही, ओ माय गॉड भैया बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक बारिश हो गई भाई। ऐसे में कौन कहीं जा सकता है बताइए, बस हमारे पतिदेव जी जब घर आए तब ये बारिश रुक जाए भगवान, हम तो यही कहेंगे। और अभी मैंने उनको कॉल भी किया था तो उनका कॉल लगा ही नहीं, बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है कि पता नहीं नेटवर्क बिजी हो गया ये क्या हो गया, उनको कॉल भी नहीं लगा। तो उसके बाद फिर थोड़ा मैंने आराम कर लिया, आराम करके उठी मैं, देखा बारिश अभी तक हो रही है, तो मैंने कहा भाई मैं दिखाऊँ आप लोगों को, बहुत तेज़ हो रही है बारिश।
बताओ क्या करेगा ये? देखो चलो अब देखते कब कब मिलते हैं आप लोग से। रखते हैं, बिजली भी कड़कने जैसा हो रहा है, बंद करते हैं दरवाज़ा।